पेरिस के सपने, क्या जोकोविच, लियांडर और सानिया मिर्जा फ्रेंच ओपन जीतेंगे? पेरिस में होने वाला ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप दुनिया का शायद सबसे कठिन प्रतियोगिता है, पर बियॉन बॉर्ग और राफेल नदाल शायद इस बात से सहमत नहीं। बॉर्ग यहाँ 6 लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं और नदाल ने यहाँ खिताब 9 बार जीता है, लेकिन पीट सैंप्रस, स्टेफान एडबर्ग, बोरिस बेकर और जॉन मैकेनरो के लिए यह एक ऐसी जगह रही जहां वे नहीं जीत सके। ग्रैंड स्लैम के 18 बार के विजेता रॉजर फेडरर इसमें बस एक ही बार कामयाब रहे। इस साल 3 बेजोड़ चैंपियन अपने ग्रैंड स्लैम में बाकी इस एकमात्र ट्रॉफी को जीतने की कोशिश करेंगे। सभी 4 प्रमुख टूर्नामेंटों को कम से कम एक बार जीतना। विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 11 स्लैम जीत चुके हैं, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 विंबलडन, 2 यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन अभी तक नहीं। मैं अपने जीवन का सबसे बेहतरीन टेनिस खेल रहा हूँ, अब सिर्फ फ्रेंच टाइटल ही बाकी है। हमारे अपने 16 ग्रैंड स्लैम डबल विजेता लिएंडर पेस के लिए 43 साल की उम्र में यह अंतिम मौका हो सकता है। मैं अपने जोड़ीदार महेश भूपति के साथ 2 बार मेंस डबल जीत चुका हूँ, लेकिन मिश्रित नहीं जीता। लेकिन पेरिस की लाल ढीली मिट्टी में, पेरिस की लाल मिट्टी इतनी कठिन क्यों है? अधिकांश चैंपियनशिप जैसे कि ऑस्ट्रेलियन और अमरीकी ओपन हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, जहां गेंद की उछाल हर बार एक जैसी होती है। जब एक बार गेंद टपकती है तब खिलाड़ियों की टॉप स्पिन से वह उछल के कंधों के स्तर से ऊपर चली जाती है, जिससे दोबारा मारना मुश्किल हो जाता है। स्विस मार्टिना हिंगिस के साथ जोड़ी में भारत की सानिया मिर्जा पिछले 3 स्लैम विंबलडन, यूएस ओपन 2015 और ऑस्ट्रेलियन 2016 जीत चुकी है। क्या वे लगातार 4 मुकाबले जीत सकती है? अगस्त 2015 से फरवरी 2016 तक कोई मैच नहीं हारे और एक सांस में 14 खिताब जीते। मार्टिना हिंगिस के साथ भागीदारी में उन्हें एक साथ सेंटिना कहा जाता है। लाल मिट्टी हमारी पसंदीदा नहीं है। हार्ड कोर्ट पर मैं 2-3 गेंदों में एक पॉइंट खत्म कर सकती हूँ, पर यहाँ 5-6 की जरूरत पड़ती है। यहाँ की टूर्नामेंट की विजेता नदाल को देखिए, कोर्ट से लगभग 20 फीट पीछे रहते हैं, इसीलिए वे मारी गई किसी भी गेंद तक दौड़ के पहुंच जाते हैं। जोकोविच ने नदाल के खिलाफ खेले गए पिछले 11 मैचों में से 10 मैचों में उन्होंने पराजित किया। लिएंडर, जो मार्टिना हिंगिस के भी भागीदार है, स्पिन या मुश्किल उछाल से चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि वे नेट तक दौड़ जाएंगे और यहाँ तक कि गेंद को टपकने ही नहीं देंगे। दोनों साथी के जोड़ीदार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युगल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2015 में 5 ग्रैंड स्लैम डबल जीती है। हिंगिस ने सानिया मिर्जा के साथ 3 और लिएंडर के साथ 2। सरीना विलियम्स भी अपनी 22वीं स्लैम खिताब की तलाश में है, जिसे जीतकर वे स्टेफी ग्राफ की बराबरी करेगी। तो देखिए, क्या ये 3 4 मशहूर खिलाड़ी अपने सपने को पूरा करेंगे?